ये सब में इतनी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की हो, तो ग्वार के कॉम्प्लेक्स में हमने सुबह के कार्रवाई सत्र में काफी अच्छा उछाल आते हुए देखा था। 5% का ऊपरी सर्किट गम की कीमतों में और 3% का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड की कीमतों में लगता हुआ नजर आया था। आपने जो लेवल्स दिए थे ग्वार के, ग्वार गम के, कि 11, 100, 11, 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड में 6200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज सुबह के कार्रवाई सत्र में आपके वो दोनों लेवल्स अचीव होते हुए नजर आए। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से एक अचानक से ब्रेकआउट देखने को मिला था लेवल्स के अंदर, तो अब कीमतें कहां तक जा पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जब प्राइस नीचे भी आ रहे थे मैंने यही कहा था कि 9,000 से 9,200 के करीब प्राइस मिलने चाहिए और लॉन्गर टर्म बेसिस मुझे लग रहा था कि 12,000 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे। तो मैं अभी भी यही मतलब जो मेरा व्यू है यही है कि फिलहाल जब तक 10,000 से 9,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेंगे तब तक इमीडिएट तौर से तेजी का रुख बना हुआ है। और क्योंकि 10,500 के ऊपर हमने आज प्राइस को चलते हुए देखा है ग्वार गम में, तो ये पॉसिबल है कि 10,500 और उसके बाद 9,800 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे और 11,200 के निकलने पर हमें 12,000 तक के स्तर ग्वार गम में देखने मिलेंगे। वहीं पर 6,200 के जो स्तर है ग्वार सीड में जिस तरह आपने बताया वो आज हमने हासिल होते हुए देखे। 6,200 के ऊपर यदि डेली क्लोज आने में कामयाब होती है प्राइस तो पॉसिबल है कि हम 6,500 से 6,600 यानी जो हमने सितंबर और उसके पहले अगस्त में ये लेवल देखे थे दोबारा प्राइस छू सकते हैं। तो मैं अभी भी डेली प्रिफर करूंगा, सिर्फ ये है कि शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है हमें ग्वार सीड में करीबन 5,970 से 5,950 के दाम देखने मिले, वहाँ से तेजी की जा सकती है। उसी तरह से ग्वार गम में 10,000 से 10,100 तक के दाम मिले तो वहाँ पर दोबारा निषेध किया जी। तो यानी कि प्राइसेस अभी भले ही थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन अमित जी के अनुसार ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। हालांकि उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनके ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों का। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाती हैं कीमतें तो ग्वार गम में 12,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि ग्वार गम में अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो जो चार्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, और अगर फंडामेंटली बात करें तो इस बार जो ग्वार का प्रोडक्शन रह सकता है वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 45 से 50% कम है। पिछले साल हमने ग्वार का जो प्रोडक्शन देखा था वो लगभग 50 लाख बोरी का देखा था, और इस बार जो जानकार बता रहे हैं जो प्रोडक्शन रह सकता है ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है वो लगभग 20 से 25 लाख बोरी रहने का अनुमान है। तो एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाना और ऊपर से वायदा में भी कीमतें उछलना, तीसरा प्रोडक्शन कम रहना, तो ओवरऑल जो रुझान है ग्वार में अभी हाल फिलहाल में तेजी का रह सकता है।